पहुंची है खातेगांव परम धाम गौशाला में। 33 करोड़ देवी देवताओं का पास करने वाली परम धाम गौशाला में आज हमारी टीम पहुंची है और हमने देखा कि नगर में जो गोग्रास रथ आपके घर पहुंचता है, ये दिखाई दे रहा है परम धाम गौशाला का गोग्रास रथ। ये गोग्रास रथ के माध्यम से जो आप रोटी पहुंचाते हैं गौ माता की सेवा में, ये रोटी के जो स्टॉल दिख रहे हैं, जो सब्जी दिख रही है यहाँ पर, ये हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं की गौ माता जो है यहाँ पर किस प्रकार आपका लाभ मिलता है, ये पूर्ण लाभ मिलता है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको कि हमें भी ये सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है और हमारे क्षेत्र के गौरव संत भगवती प्रसाद तिवारी जी, जिनके मार्गदर्शन और सानिध्य में यहाँ पर यह गौशाला संचालित हो रही है। ये पूरी गौशाला में आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार से ये रथ आपसे घर घर पहुंचकर रोटी लाता है और उस रोटी का वितरण यहाँ पर किया जाता है। हम आज पहुंचे हैं गौशाला में और हम इसी के तारतम्य में बात करेंगे अखिलेश तिवारी जी से, जो कि यहाँ पर गौशाला का संचालन देख रहे हैं पूरा हमारे क्षेत्र के गौरव भगवती प्रसाद तिवारी जी के मार्गदर्शन में। अखिलेश जी, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है पूरी गौशाला का? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ देखने को मिल रही है। परम श्रद्धेय भगवती प्रसाद जी तिवारी जी जो है संत भक्त पंडित भगवती प्रसाद जी तिवारी, उनके द्वारा जो भागवत जी चलती है कहीं पर भी, वो वहाँ से जो सेवा मिलता सहयोग मिलता है उससे इसका संचालन चलता है गौशाला का। वो शासन द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है हमें ना। ये गोग्रास रथ के बारे में कैसा क्या? ये गोग्रास रथ क्या रोटियां बाहर के मार्केट के लोग जो कचरा गाड़ी में डाल रहे थे, तो एक थोड़ा सा मन में आया कि यार क्यों ना एक अपन ऐसी गाड़ी लाकर गो सेवा में अपन दें, तो गोग्रास सारी रोटियां इसमें आए तो अपने को गो माता को रोटी मिल जाएगी, गोग्रास मिल जाएगा, तो घर बैठे पुण्य का लाभ मिल जाएगा लोगों को। उसके द्वारा ये रोटियां मिल जाती हैं गायों को, पूरे खातेगांव नगर से इकट्ठी होकर गाय। दोपहर में उससे चर्चा करी और अखिलेश तिवारी जी ने बताया कि किस प्रकार आप गोग्रास के इस रथ में घर से दो रोटी गौ माता के लिए डाल सकते हो। 33 करोड़ देवी देवताओं का जो लाभ आपको यहाँ पर स्वतः ही प्राप्त हो जाता है आपके घर जब पहुँचती है। तो दोपहर न्यूज़ के लिए खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।